है ब्लॉग। हाँ, यहाँ पे आपको कुछ मैथ प्रैक्टिस दिया है मैंने, ठीक है। इसमें आपको क्या ध्यान देना है, आपने जिस तरह से ऐड करना सीखा है, सिंपल माइनस सीखा है, तो उसी को इस फॉर्म में आपको एग्जामिनेशन टाइम में आ सकता है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग फर्स्ट क्लास के हो ना, तो फर्स्ट क्लास वाले हर तरह के सवाल को आप सॉल्व करना सीखो, ऐसा नहीं कि एक ही फॉर्म में आप सवाल को सॉल्व करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है, जो भी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि आपको जो नंबर दिया गया है 18, उसमें आप कितना नंबर ऐड करोगे कि 26 हो जाए, ठीक है। क्या कह रहा है, 18 में कितना नंबर हम ऐड करेंगे कि 26 हो जाए। तो इसका सिंपली एक और तरीका है, या तो 18 में आप उतने नंबर काउंट करते जाओ, ठीक है, जब तक 26 ना आ जाए, या फिर आप क्या करो, सीधे टोटल वैल्यू में से इस नंबर को माइनस कर दो। क्या करना है आपको, माइनस करना है। तो कौन सा फॉर्मूला तरीका आजमाओगे, काउंट करने वाला कि माइनस करने वाला? काउंट करने वाला। काउंट करो टीचर, 8 काउंट करोगे तो हो जाएगा, करेक्ट है सर। तो 18 में हम 8 काउंट करेंगे तो हमारा 26 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी वही सेम चीज है, 11 में आपको कितना जोड़ोगे कि 42 आ जाए। तो अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस है तो आप क्या करोगे, माइनस वाला तरीका आजमा सकते हो, ठीक है। क्या कर दोगे, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 4 माइनस 1 3, यानी 31 अगर हम 11 में प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 42, ठीक है। या फिर आप 11 क्या करें, काउंट करते जाओ जब तक 42 ना आ जाए, ठीक। प्लस की कंडीशन समझ में आ गई, दोनों मेथड आप यूज कर सकते हो। ये मेथड आपको दिमाग में रखना होगा, तभी जाके आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। नहीं तो आप उल्टा पुल्टा कर दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, प्लस में और प्लस कर दोगे तो वो फिर आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पहली वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस 15 है, ठीक है। तो किस नंबर में आप 15 जोड़ोगे कि आपको 27 मिल जाए। जल्दी करो, जल्दी ऐड करो। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 12. पक्का करेक्ट आंसर है, क्योंकि देखो 15 ऑलरेडी हमारे पास दिया है, 5 और जोड़ देंगे तो 20 हो गया, और 5 और 25 और प्लस 2, यानी 12 नंबर हम जोड़ देंगे तो 15। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, 7 में से 5 माइनस करने पे 2 आ गया, और 2 में से 1 माइनस करने पे 1, ठीक है। ये दोनों मेथड आप प्लस वाले फाइंड वैल्यू को जानने में कर सकते हो, ठीक है। यहाँ भी वही चीज सेम करनी है हमें, यहाँ 30 नंबर है, टोटल हमें इतना लाना है, तो 13 में कितना ऐड करेंगे कि 30 आ जाए। अब देखो 13 वाली लाइन में कितने नंबर और बचे हैं, 20, 11 से 20 के बीच में 13 है, 3 है, 3 यूनिट है, कितने और यूनिट बचे हैं इसमें, 7 और यूनिट बचे हैं ना, तो 13 है, 13 में 7 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो गया, और 20 में 10 और जोड़ दो, 30 मिल जाएगा ना। यानी हमारा ये वाली लाइन 21 से लेकर के 30 तक, ये 10 हो गया और ये 7, 10 और 7 17। अब देखो कैसे, आपने यहाँ पे इसमें से माइनस किया अगर, तो 10 में से 3 माइनस होगा, क्योंकि ये बोरो देगा ना, तो 10 में से 3 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 7, और इसने इसको दे दिया, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा, 2 में से 1 माइनस हो गया 1, यानी माइनस करो तो भी आपको वैल्यू मिल जा रही है, या फिर ऐड कर दो आप तो भी वैल्यू मिल जा रही है।
16 है और 16 में आप कितनी माइनस वैल्यू करोगे कि 14 में जाए, जल्दी बताओ, बहुत आसान है। 2, वेरी गुड। ये तो बहुत सिंपल था कि 2 माइनस हम कर देंगे तो हमें 14 मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ बता दो जल्दी से, 27 में हम कितना माइनस करेंगे कि 13 मिल जाए हमें, जल्दी जल्दी। फोर्टीन पक्का कैसे किया आपने? काउंट किया 27 में, कितना काउंट किए? 14 13 के इक्वल आ जा रहा है, पक्का ना? डाउट है? अपने आंसर पे कॉन्फिडेंस रहना सीखो, ठीक है। यदि आपका मेथड सही है तो आपका आंसर भी सही होगा, ठीक है। आपके पास 27 था, 27 में से आपको माइनस करनी थी वो वैल्यू, ठीक है। तो 27 में से माइनस करनी है तो आप सीधे सीधे ये 7 पकड़ लो, और ये 13 है तो इस लाइन में भी 7 है, ठीक, दोनों है 7 7। 14 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते थे कि इस वैल्यू में से दी गई वैल्यू या तो माइनस कर दोगे तो भी मिल जाएगा ये, ठीक है, और या फिर डायरेक्ट आप माइनस करते जाओगे फिर भी मिल जाएगा, ठीक है। दोनों मेथड है, हाँ, आप टोटल वैल्यू को दिए गए वैल्यू में से माइनस कर दोगे तो भी आपको बीच वाली वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पहली वैल्यू फाइंड करनी है और 18 पूछा है कि कितने वैल्यू में से हम 18 माइनस करेंगे तो 29 आएगा। तो यहाँ हमारा जो टोटल वैल्यू है वो ज्यादा दिख रहा है, बराबर। तो ज्यादा अगर दिख रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, एक आसान सा मेथड कि टोटल वैल्यू में से हम दिए गए वैल्यू को जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में तो हमें माइनस करना है, ठीक है, बट इस कंडीशन को पाने के लिए हमें क्या करना है, टोटल वैल्यू में से दिए गए वैल्यू को जोड़ देना है। तो जोड़ने पे क्या मिलेगा हमें, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको पहली वैल्यू फाइंड करनी है, कितने बताया गया है यहाँ पे कि आपको ये वैल्यू बतानी है कितने में से आपको 18 माइनस करने पे 29 मिलेगा। तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो इसको जल्दी से करने के लिए, टोटल वैल्यू में इस वैल्यू को जोड़ दो। क्या करना है, टोटल वैल्यू में इस वैल्यू को जोड़ दो, क्योंकि आपका पूछा गया है ये अभी माइनस करने पे घटता है, ठीक है, लेकिन यहाँ हमें वैल्यू कम मिली और यहाँ ज्यादा हो रहा है टोटल, तो हम सोचेंगे कि उससे ज्यादा होगा तभी तो माइनस करने पे 29 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो 9 और 8 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 का 7 और 1 कैरी, 2 + 1 3 और 3 1 कैरी 4 हो जाएगा, यानी 47 में से हम 18 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 29, क्लियर। किस में से घटाएंगे, अभी आपको अगर एग्जाम में डाउट हो रहा है कि हमारा सवाल सही है, हमने वैल्यू फाइंड सही की है कि नहीं, तो आप चेक कर लो आपकी जो वैल्यू मिली है उसमें से आप 18 घटा के देख लो उधर के बराबर है कि नहीं। अगर 29 आ रहा है घटाने पे तो इट मीन्स कि आपका सवाल सही है, अगर 29 नहीं आ रहा है तो इट मीन्स आपके सवाल में गड़बड़ी है, ठीक है ना। जिस सीक्वेंस में है वो सीक्वेंस आप करके देखना कि टोटल के इक्वल आ रहा है कि नहीं, और कैलकुलेशन थोड़ा सही रखो आप, अगर आपने छोटी सी भी चूक की तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ये लॉजिक मेथड बता रही हूँ ताकि आप जो है सवाल को देर तक कैलकुलेट करने से बच सको, ठीक है, कि अगर पहला वैल्यू हमें फाइंड करना है और माइनस दिया हुआ है तो टोटल वैल्यू को दिए गए वैल्यू के साथ जोड़ दो, फिर हमें इधर की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करो जल्दी से। नेक्स्ट इसमें से माइनस करेंगे। अब हमें क्या पता जोड़ना है कि घटाना है, मैंने अभी ऊपर वाला समझाया ना। हमें पहली वैल्यू फाइंड करनी है और हमें बताना है कि कितने में से हम 12 माइनस करेंगे कि 32 आ जाए। 44 टू प्लस टू फोर, थ्री प्लस वन फोर, जिसका भी 44 आया है वो सही है। ठीक है, माइनस करना है प्लस करना है, मेथड हम बता रहे हैं तो उसमें ध्यान दो ना आप। पहली वैल्यू फाइंड करनी होगी, अगर माइनस की तो आप जोड़ दोगे, प्लस में अगर वैल्यू फाइंड करनी होगी तो आप घटा दोगे, अपोजिट हो जाएगा एक दूसरे का। ठीक, अब यहाँ पे आपको दोनों में कोई भी नंबर नहीं दिए हैं, इट मीन्स आप स्वतंत्र हो। ठीक, आप किसी भी नंबर में से नंबर घटाओ और देखो 16 के इक्वल आना चाहिए। किस में से कितना घटाओगे तो 16 मिल जाएगा। कोई भी नंबर आप चूज कर सकते हो। नहीं कर नहीं सकते, जो इसमें कर नहीं सकते बॉक्स से। कोई भी नंबर चुनो, कोई भी बड़ी वैल्यू चुनो, उसमें से दूसरी वैल्यू को माइनस कर दो, 16 आना चाहिए बस। कोई वैल्यू नहीं दिमाग में आ रही है? टेन में से क्या घटाओगे, वो तो ऑलरेडी कम है। 27 में से कितना माइनस करोगे? 32 और बढ़ाते जाओ, थोड़े और नजदीक जाओ। इजी नंबर कोई चुनो जिसमें से 16 से कोई भी नंबर एक बड़ा लो, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर। 31 में से 31 में से क्या माइनस करोगे तो 16 आएगा। 28 बकवास ही नहीं करने का यहाँ। यहाँ देखो सिंपल सा लॉजिक, 16 दिया है टोटल, आप कोई भी एक बड़ा नंबर ले लो, समझ लो इसके पास का ही कोई नंबर ले लो, 20 ले लो। हाँ ले लिए, अब 20 में से कितना माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। 4 माइनस कर दो, हो गया सिंपल। आप स्वतंत्र हो दोनों नंबरों के लिए, तो आप आसान उसको बनाने के लिए कोई उसके नजदीकी नंबर लो ना, जिसमें जो डिफरेंस हो वो 4 या 5 का ही हो, है कि नहीं आपके लिए आसान? तो दिमाग तोड़ाओ तब दिमाग तेज बनेगा। अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में आपको कई तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आपको टेबल को वेरीफाई करना होगा कि 9 में किसका मल्टीप्लिकेशन करने पे 63 आता है, जल्दी बताओ। 9 7 जा हाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 7 जा 63। उसी तरह नीचे स्वतंत्र हो आप, अब बताओ किससे किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 27 वेरी गुड, 9 3 जा 27 हाँ। अब इसी तरह से मल्टीप्लाई में आपको इधर की वैल्यू भी पूछी जा सकती है और पूछा जा सकता है कितनी बार जा में आपका वो वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इस तरह के आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो ताकि आप एग्जामिनेशन में कोई भी टाइप्स के आपको क्वेश्चन दे तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, कम टाइम में, नहीं तो डंडे खींच खींच करते रह जाओगे। ठीक है, जो मेथड है जो लॉजिक है वो आपको दिमाग में बस रखना है। ठीक है, समझ गए ना, जो मेथड है जो लॉजिक है वो दिमाग में बस आपको रखना है, उसके बाद आपका सॉल्व हो जाएगा। तो सबको समझ में आया? यस। कहीं कोई डाउट? नो। प्लस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं जल्दी से? माइनस कर देंगे। किसको माइनस कर देंगे? 12 में से दिए गए वैल्यू को। ठीक है, वही चीज माइनस में अगर हमें फाइंड करनी है तो क्या करेंगे? प्लस कर देंगे टोटल वैल्यू से जो दी गई वैल्यू होती है, और वही वैल्यू अगर पहले दी हो और दूसरी वैल्यू को फाइंड करना हो तो हम माइनस का माइनस ही करेंगे। क्लियर है? यस। यहाँ पहली वैल्यू फाइंड करनी हो तभी हम प्लस करेंगे, वरना इस कंडीशन में मत प्लस कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इस वाले कंडीशन में आपको प्लस नहीं करना है, इस वाले कंडीशन में आपको माइनस ही करना है। देखो 7 में से 3 माइनस करोगे तो 4 मिल जाएगा, 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 मिल जाएगा, और
ठीक है, तो माइनस में थोड़े दो लॉजिक है, ठीक है। माइनस में कितने लॉजिक हैं? दो लॉजिक हैं, उनको ध्यान से आपको समझना है वरना आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो वो क्लियर रखो कि सेकंड वैल्यू जब पता करनी होती है तो हमें क्या करना है, घटाना है, और जब फर्स्ट वैल्यू पता करनी होती है तो जोड़ना है, जोड़ देना है, तो हमें मिल जाएगा। और ये दोनों रूल माइनस में होता है, लेकिन प्लस में नहीं होता, इसमें सीधे माइनस कर दो। और ये एक मेथड जो बताया कि आगे काउंट करके जोड़ के उतना वैल्यू लिख दो। तो आपको समझ में आ गया है? कोई क्वेश्चन? ठीक है, यानी इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका बहुत अच्छे से सारा मैथ तैयार हो जाएगा।